15 फरवरी की तारीख लालू प्रसाद यादव के लिए काफी अहम है। इस दिन क्या होगा, इसे लेकर लालू यादव समेत पूरा का पूरा परिवार काफी चिंतित है। सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये किसी को मालूम नहीं। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाने के लिए 15 फरवरी की तारीख को मुकर्रर कर चुका है। इस दिन सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। विशेष न्यायाधीश एसके शशि इस मामले में फैसला सुनाएंगे, जिसे लेकर लालू एंड फैमिली की धड़कनें तेज हो गई हैं। रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए के गबन से जुड़े पांचवें और अंतिम मामले में लालू प्रसाद यादव समेत कुल 99 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में शुरुआत में 170 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 55 आरोपियों की मौत हो गई है। 7 लोगों को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया है, जबकि 6 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये तो 15 फरवरी को ही स्पष्ट हो पाएगा। जानकारों की माने तो डोरंडा मामले में फैसला आने के बाद लालू की जमानत भी सजा की अवधि पर निर्भर करेगी। अगर 5 साल की सजा होती है तो 2.5 साल और 7 साल की सजा मिलती है तो लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल जेल में बिना बेल के रहना होगा। लालू यादव फिलहाल दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद सशर्त जमानत पर हैं। शर्त जो लालू यादव पर लागू है वो है कि हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे। 3.5 साल की आधी सजा काट चुके लालू यादव को अप्रैल 2021 में इस मामले में नियमित जमानत मिली, तब जाकर वो जेल से बाहर आ सके। लेकिन एक बार फिर से उन पर तलवार लटक रही है। लालू यादव और उनका पूरा परिवार, उनके चाहने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। सभी सोच में डूबे हैं कि 15 फरवरी को क्या फैसला आएगा। लालू यादव के खिलाफ झारखंड में 5 मामले चल रहे थे। अब तक 4 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 5वां और आखिरी मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है, जिस पर फैसला 15 फरवरी को आना है। जिन 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई है उसकी बात करें तो चाईबासा ट्रेजरी केस में 5 साल, देवघर ट्रेजरी मामले में 3.5 साल, फिर चाईबासा ट्रेजरी से ही जुड़े दूसरे केस में 5 साल और दुमका ट्रेजरी मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अब बारी डोरंडा ट्रेजरी मामले में फैसले की है, जिसका सभी को इंतजार है। तारीख वाइज अगर लालू प्रसाद यादव के जेल जाने की बात करें तो सबसे पहले 30 जुलाई 1997 को पहली बार लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। इस दौरान कुल 135 दिन जेल में रहे। 28 अक्टूबर 1998 को दूसरी बार जेल गए, 73 दिन बाद बाहर निकले और फिर 5 अप्रैल 2000 को तीसरी बार जेल गए। इस बार 11 दिन बाद ही जमानत मिल गई, जिसके बाद 28 नवंबर 2000 को आय से अधिक संपत्ति मामले में 1 दिन के लिए जेल गए थे। फिर 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में दोषी साबित होने के बाद जेल भेजे गए, जो 70 दिन बाद बाहर निकले थे। फिर 4 साल बाद 23 दिसंबर 2017 को चारा घोटाला से जुड़े एक केस में सजा होने के बाद जेल गए, जो 3.5 साल के बाद अप्रैल 2021 में बाहर निकले हैं। अब यह सिलसिला यही रुकता या फिर जारी रहता है ये देखने वाली बात है। अभी तो डोरंडा मामले में 15 फरवरी को आने वाले फैसले का सभी को इंतजार है।